conference will now be recorded. आज के हमारी इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूला और ये मिस्टर वीर सिंह और श्री शर्मा जी की क्लास है. वीर सिंह जी, श्री शर्मा जी, कुछ और लोग हैं जो कि आपके साथ ज्वाइन हो गए हैं. ने बताया था सप्ताह शनिवार के दिन कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते थे. तो अब हम आज जो है, क्योंकि टॉपिक आज का बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने बाकी लोगों को भी इन्वाइट कर लिया था. टॉपिक है हमारा वी लुकअप ऑटोमेशन, या फिर लुकअप ऑटोमेशन भी हम कह सकते हैं. तो आज के इस टॉपिक में आपको हम लुकअप ऑटोमेशन की क्लासेस देंगे और ये क्लास तकरीबन 1.5 से 2 घंटे चलेगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और इस सेशन को मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, साथ में ये सेशन यूट्यूब पे भी टेलीकास्ट हो रहा है. तो आज हम बात करने जा रहे हैं वी लुकअप की. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गमा. तो वी लुकअप का यूज होता क्यों है? देखिए, वी लुकअप इंपोर्टेंट है. इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये लुकअप है. लुकअप मतलब कि आप किसी एक पर्टिकुलर यूनिक आईडी के बिहाफ पे किसी पर्टिकुलर बड़े से डेटाबेस या डेटा को आप फाइंड करते हैं, टू लुकअप करते हैं. जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने स्कूल में, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में क्या करते थे कि आपके पास एक ये होता था, रोल नंबर होता था. आप वेबसाइट पे जाते थे, रोल नंबर डालते थे और सबमिट पे क्लिक करते थे, आपके पास आपका रिजल्ट आ जाता था. सेम उस तरह से बैंक में जाते हैं, अपना अकाउंट नंबर देते हैं, बैंक आपके अकाउंट नंबर से आपकी पूरी डिटेल्स पता कर लेता है. उसी तरीके से मतलब कि यूनिक आपकी एम्प्लॉय कोड से एचआर आपके डेटा पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेता है. तो इसका मतलब है कि एक यूनिक आईडी पे हम किसी भी इसका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. तो चलिए इसी चीज को आज हम आपके साथ करेंगे. मैं एक डेटा ओपन कर लेता हूं जिसमें आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं. या चलिए, तो मेरे पास एक डेटा है जिसमें करीब 4000 से ऊपर डेटा है और मेरे पास ये पूरा का पूरा कॉलन है जो कि आप देख रहे हैं. तो मुझे क्या करना है कि इस पूरे कॉलन डेटा को एक मिनट में लेता हूं दूसरे शीट पे. तो अभी क्या है कि मेरे पास पूरा डेटाबेस है. अब मान लीजिए कि हमारे कंपनी के कुछ लोगों ने मुझे एक ये भेजी है, डिटेल्स भेजी है कि मुझे कुछ एसआईडी के सेल्स, कुछ आईडी के सेल्स नंबर्स चाहिए मुझे. ऐसे मान लीजिए कि हजारों हो सकते हैं. मुझे लुकअप करना है, इसमें से इस डेटा को फिल करना है. तो मेरे पास एक यूनिक आईडी है जो कि ये यूनिक आईडी मेरे डेटाबेस में भी है. अब बात इसमें आती है कि अगर हम वी लुकअप का इस्तेमाल ना करें, मान लीजिए कि वी लुकअप का इस्तेमाल ना करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक एक को फाइंड करना पड़ेगा कंट्रोल ऐप से और फिर उसका फाइंड करना पड़ेगा आपको और फिर उसको कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा इस तरह से. तो चलिए कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, लेकिन जब आपके पास ज्यादा होगा तो कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत होगी. अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने माइक को म्यूट रखिएगा क्योंकि सेशन रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा इन फ्यूचर में, आप इसको देख सकते हैं. जब कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, तो कुछ समझ में ना आए प्लीज. जी सर, मेरी स्क्रीन नहीं चल रही है सर, अभी क्या प्रॉब्लम पता नहीं, दोबारा भी कर लिया सर. तो आप गो टू मीटिंग के प्लेटफॉर्म पे है कि नहीं है? आप मिनिमाइज कर दीजिए तो कैसे दिखेगा स्क्रीन? गो टू मीटिंग ऐप पे तो आइए आप. ऐप पे हूँ सर, गो टू मीटिंग ऐप पे हूँ सर. तो क्या दिख रहा है गो टू मीटिंग ऐप में? गो टू मीटिंग ऐप पे आपकी ये चल रही है सर, बात चल रही है. हाँ, मैंने कुछ स्क्रीन दिख रहा होगा ना, स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा सर. इस पे नो स्क्रीन और कैमरा आर बीइंग शेयर्ड आ रहा है. नो स्क्रीन कैमरा आर बी शेयर्ड,
आपने 1 मिनट नीचे देखिए, आपकी स्क्रीन करके आ रहा होगा, नीचे दो ऑप्शन होंगे, आपने लगा माइक वाले पे क्लिक। एक तो ऑडियो ऑप्शन है, एक एडिट योर इन्फो है, एंड और उसके बाद फीडबैक सेंड एंड इनविटेशन। अब अपना एक काम कीजिए ना, जो स्क्रीन आ रही है उसकी स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कीजिए, तो मैं बताता हूँ क्या करना है। ठीक है सर, स्क्रीन शॉट करके आपके पास व्हाट्सएप कर दिया सर हाँ मैंने, आप देखो सर। व्हाट्सएप कर दी सर। व्हाट्सएप कर दी सर आपके मिल पास। गया, आप इंटरनेट कौन सा यूज कर रहे हैं? वोडाफोन सर। सर आपकी इंटरनेट लग रहा है स्लो है, इसलिए स्क्रीन नहीं दिख रही है। सर वॉइस तो आ रही है सही, हाँ जी सर, स्क्रीन इसलिए नहीं दिख रही है सर। इसमें फिर कैसे क्या हुआ सर, ऑटोमेटिक आएगा सर ये? आ गया स्क्रीन, अब भी नहीं आ रही सर, पता नहीं क्या एक बार चक्कर और है। रिज्वाइन करके देखिए, तो एक बार हाँ रिज्वाइन करके देखिए सर। कर लिया सर, 2-3 बार कर लिया रिज्वाइनिंग। आप व्हाट्सएप पे भेज दो सर मेरे पास में, दिक्कत आ रही, क्या दिक्कत है? ठीक है देखता हूँ, तो चलिए सॉरी डिस्टर्ब हो गई क्लास में से। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसको कैसे अलग, तो इसके लिए हम बात करेंगे VLookup। VLookup हमने सेलेक्ट कर लिया और हम वापस डेटा में जाएंगे। अभी लुकअप में ये आपकी जो पहली होती है लुकअप वैल्यू होती है, देखिए ये आपका लुकअप वैल्यू होता है। लुकअप वैल्यू मतलब कि किस वैल्यू को आपको लुकअप करना है, इट इज लुकअप वैल्यू। उसके बाद आती है टेबल डेटा एरिया। अब याद रखिएगा कि आपका जो डेटा वी लुकअप है लेफ्ट टू राइट चलता है, इसलिए आप सिलेक्शन जो करें वो पहले कॉलम से करें और पूरे कॉलम करें वो दिक्कत नहीं, कि पहला कॉलम सिलेक्शन होना चाहिए, मतलब कि जिसमें आपकी यूनिक आईडी है जिसके बिहाफ पे आप सर्च कर रहे हो। फिर इसको सेलेक्ट किया एंड कॉमा। अब इसमें क्या है कि अब क्या है कि 15 नंबर पे तो बहुत सारे कॉलम्स, हमें कॉलम तो ए से पी ले लिया, तो मुझे बताना होगा कौन सा कॉलम। तो ये आपका पहला और दूसरा, तो ये हमारा दूसरा कॉलम है। तो यहां पे हमने कॉमा 2 एंड यहां पे कॉमा 0 कर दिया। 0 इट मींस एग्जैक्ट मैच, 0 का मतलब हुआ एग्जैक्ट मैच। और एंटर मारिए, ये आपका देखिए डेट आ गया। डेट फॉर्मेट में नहीं आया, मैं कंट्रोल शिफ्ट हैश करता हूं तो डेट फॉर्मेट में आ जाएगा। उसके बाद अब बाकी चाहिए तो मैं जितने कॉलन होंगे उतने वी लुकअप हमें लगाने होंगे, तो उसको मैनुअली लगाना चाहो तो मैनुअल लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पे लुकअप वैल्यू ले लिया, कॉमा डेटा पे चले गए, डेटा को सिलेक्ट कर लिया। कॉमा अब इसमें मैं नंबर 3 करूंगा क्योंकि मुझे तीसरा कॉलम चाहिए। अब तीसरा कॉलम हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे 1 एंड 2, यहां हमारा 1 2 3 ऐसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। फिर यहां पे मैं वापस देता हूं वी लुकअप, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और डेटा पे चला जाता हूं। फिर वापस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता हूं, अब यहां पे 4, 0। अब एक प्रॉब्लम यहां पे आ रही है कि मेरे पास इतने सारे कॉलम्स हैं, अब मैं एक एक करके लगाऊंगा
तो काफी टाइम लगेगा। अब चलो यहाँ पे छोटा सा कॉलन है, लेकिन कल के डेट में ऐसा हो सकता है कि 5,000 या 7,000 कॉलन हो, तो इसमें तो काफी टाइम लग जाएगा। तो उस केस में क्या करें? तो उस केस में हम इसको ड्रैग करेंगे, लेकिन हम ड्रैग ऐसे ना करेंगे, ड्रैग करने से पहले हमें इसको फ्रीज करना होगा। ड्रैग करने से पहले हमें इसको फ्रीज करना होगा। ओके, तो कैसे करें फ्रीज? तो फ्रीज के लिए हम डॉलर साइन लगाते हैं। कुछ लोगों को पता होगा ये चीज, जो लोग नहीं पता है वो देख लीजिए कि कैसे ये होता है। अब यहां पे वापस जाते हैं, कैसे करेंगे? इसके लिए हम यहां A3 का A फ्रीज कर देते हैं डॉलर साइन से। 3 को फ्रीज नहीं करेंगे क्योंकि नीचे ड्रैग करने पे 3 4 ना बने, 4 बन जाए इसलिए। फिर एक कॉलम को, इसको हम F4 से भी कर सकते हैं, और उसके बाद इसको हम यहां से ड्रैग कर देंगे। अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि ये तो सब में सेम आ गया, तो उसके लिए यहां कॉलम नंबर आपको चेंज करना होगा कि 4 5, यहां पे 6, यहां पे 7, यहां पे 8, 9। अब यहां पे एक चीज और भी आ रहा है कि सर ये भी थोड़ा सा ज्यादा ये लग रहा है, ज्यादा मेहनत का लग रहा है, क्योंकि ऐसे एक एक करना, अगर 2-4-500 कॉलन हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसका अभी सॉल्यूशन है, 2 मिनट देखिए, अभी हम उसका उसका अभी सॉल्यूशन आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे 16 और ये हमारा 17, ये हमारा आ गया। इसमें हमने कोई इस पहले कोई काउंटिंग 14 13 12 11 11 रह गया, 11 रह गया। यहाँ पे इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसका सलूशन क्या है? कैसे अभी होगी? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम ऊपर में 1 लिख देंगे इस तरह से, 1 2, और फिर इसको ड्रैग कर देते हैं। 1 नहीं, 2 से ना, हमारा 2 से 2 3 ड्रैग कर देते। तो एक ऊपर हेडिंग में हम कॉलन छोड़ देते हैं। कॉलन छोड़ने से क्या होगा? कॉलन छोड़ने से ये होगा कि आपका यहां पे मैं वापस वी लुकअप लगाऊंगा। वी लुकअप हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉमा डेटा में गए और हम इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेते कॉलम को, कॉमा। अब यहां पे हम जो टू नॉर्मल लिखते हैं, इस टू को ना लिख के हम डेटा में जो ऊपर कॉलम दिए हुए हैं इसमें सीट पे, उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे कॉमा जीरो कर। मतलब जो कॉलम नंबर है वो मैनुअली हम नन हमने नहीं लिखा, हमने ऊपर से ले लिया है। तो अब क्या हुआ, इसको कैसे हम आगे ड्रैग करना है? तो ड्रैग करने से पहले वही फ्रीजिंग प्रोसेस को करेंगे कि हम इसको एब्सोल्यूट करेंगे, फ्रीज करेंगे। और यहां देखिए वी इसका 1 फ्रीज करना है, कॉलम नहीं करना, ताकि आगे जब इसको हम इस तरह से ड्रैग करें तो बी सी बन जाए, हम ड्रैग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए मुझे एक कॉलन यहां पे रखना पड़ रहा है, मुझे इस कॉलम को नहीं रखना है। तो सिंह जी और यूसुफ जी, लास्ट क्लासेस में हमने आपको बताया था रेफरेंसेस फॉर्मूला में कॉलन का फॉर्मूला। तो कॉलन फॉर्मूला क्या होता है कि इसमें अगर किसी कॉलन का रेफरेंस हम देते हैं तो उसका कॉलम नंबर देता है 2। तो मुझे यहां भी तो 2 2 ही चाहिए, तो क्यों ना इस कॉलम फॉर्मूले को हम वी लुकअप में ऐड कर लें। तो यहां पे हम दो फॉर्मूले को मर्ज करेंगे, तो हमें जो कॉलम नंबर है वो कॉलम फॉर्मूला से आ जाएगी।
तो VLookup हमने इसको सिलेक्ट किया, डेटा में गए, हमने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया। अब यहां जो हमारा जहां पे हम 234 नंबर लिखते हैं, उस नंबर के जगह पे कॉलम का फॉर्मूला लगा दिया और उसमें हमने कॉलम नंबर सिलेक्ट कर लिया फोर एग्जैक्ट मैच। अब इसको आगे ड्रैग करना है, तो ड्रैग करने से पहले वही हम इसको थोड़ा सा फ्रीज कर लेंगे, उसके बाद ड्रैग करेंगे। ये देखिए, और इसको फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए आ गया हमारा डेटा। क्वेश्चन ये आता है, मैं काफी पहले 2007 या 8 में गया था इंटरव्यू देने के लिए, तो मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि मुझसे पूछा गया था कि बिना माने वी लुकअप, एक ही सेल में वी लुकअप आपको लगाना है और एक ही सेल के वी लुकअप से आपको पूरा का पूरा डेटा पैच करना है, किसी तरह का ड्रैगिंग सिस्टम नहीं करना है, फ्रीज व्रीज नहीं करना है। तो इसके लिए हमने एरे फॉर्मूला का इस्तेमाल किया था। जी हाँ, इसके लिए हमने एरे फॉर्मूला का इस्तेमाल किया था। तो कैसे किया था, चलिए देखिए। हमने यहां पे हमने क्या किया कि पहले पूरा एरिया सिलेक्ट कर लिया। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको कोई बात नहीं, इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा मैं। और जिस सेल पे लगाना है उस सेल को यहां एक्टिवेट किया, फिर हमने यहां पे वी लुकअप जो नॉर्मली हम लगाते हैं वो नॉर्मली लगाएंगे। अब यहां पे जो हमारा कॉलम नंबर है, तो हम 1 2 3 लिखते थे, तो जितने भी कॉलम नंबर है सबको उस सिक्वेंस में, जो कॉलम है उस सिक्वेंस में मैं लिख दूंगा। तो क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहां पे सीरियल से होना कोई जरूरी नहीं है, आप अपने कॉलम के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16 और फिर कॉमा 0। अब यहां पे हमें नॉर्मल इंटर नहीं मारना है, क्योंकि ये जो है ये है एरे, तो एरे को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होता है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ध्यान रखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। मैं एक बार और समझा देता हूं इसको। आपको सबसे पहले क्या करना है, जितना एरिया वी लुकअप में रखना है उतना एरिया को सिलेक्ट करना है और फिर वापस वी लुकअप यहां पे लगाना है। फिर यहां पे अपने लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट कर ले, डेटा में जाए, डेटा को सिलेक्ट कर लो एंड कॉमा कर्ली ब्रैकेट में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यहां पे कॉमा 0 और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर। सिंह जी समझ में आ गया आपको, वीर सिंह जी? सर डाउट इसमें? ना क्लियर है? बढ़ते हैं। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है कि अब यहां पे प्रॉब्लम हो रही कि हमने सीरियल नंबर लिया, अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्या जानी। आपने नॉर्मली जो लगाया जिसमें आपको सीरियल नंबर मैनुअल लिखना पड़ेगा, जो पहली हमने वी लुकअप लगाई थी इसमें, और दूसरा हमने इसमें क्या किया था, ऊपर कॉलम नंबर देके हमने कॉलम को एडजस्ट किया था। तो एक कॉलम मुझे यहां रखना पड़ रहा है इसके लिए, ठीक है।
एक कॉलम यहां पर रखना पड़ रहा है। दूसरा, अगर मान लीजिए हम यहां कॉलम का फॉर्म लगाते हैं तो सिक्वेंसली होना चाहिए, अनसिक्वेंस हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, अब इसको भी अब इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे कॉलम नंबर देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कॉलम नंबर बाद में चेंज हो गया, अब मान लीजिए यहाँ पे सीआईडी थी, सीआईडी की जगह पे यहाँ पे मान लीजिए प्रोडक्ट आ गया, तो ये तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा ना अपने आप। तो मुझे ऐसा फॉर्मूला लगाना है जो कि कॉलम नंबर को रीड करके ऑटोमेटिकली अपने आप को चेंज कर ले, कॉलम नंबर को रीड करके अपने आप चेंज कर ले। ओके, तो इसके लिए हमें सीखना होगा मैच फॉर्मूला। तो चलिए हम मैच फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। तो मैच फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम डेटा को, मान लीजिए कुछ चाहिए मुझे, एसआईडी तो पहले चाहिए चाहिए मुझे, इसमें डेट चाहिए, मुझे इसमें नेम चाहिए, मुझे इसमें क्वांटिटी चाहिए, मुझे इसमें टोटल चाहिए, इस तरह चाहिए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैच का। मैच फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी सेल वैल्यू, जैसे मैंने यहां पे ले लिया डेट को, किसी रो या कॉलम, ये दोनों चलता है, रो और कॉलम दोनों चलेगा, रो एंड कॉलम में सर्च करता है एक 04 एग्जैक्ट मैच। सर्च करने के बाद ये बताता है कि इसका पोजीशन क्या है, क्या बताता है इसका पोजीशन क्या है। ठीक है, तो इसको हम अपने वी लुकअप में यूज कर सकते हैं, वी लुकअप में यूज कर सकते हैं। तो यहां पे मान लीजिए सेल्स आईडी में 231 कर दिया, अब यहां पे मैं वी लुकअप लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और डेटा में जाऊंगा, डेटा को सिलेक्ट कर लिया, अनकॉमा जो मैच फॉर्मूला हमने लगाया था उसको यहां सिलेक्ट करके कॉमा जीरो कर दूंगा। अब मुझे सब में मैच फॉर्मूला थोड़ी लगाना है, मैं इस मैच फॉर्मूला को वी लुकअप के अंदर डाल दूंगा। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहां जहां पे आपका दिख रहा है B14 उसकी जगह पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो B14 में इसको हमने पेस्ट कर दिया, तो देखिए ये हो गया। अब आगे हमें सब में ड्रैग करना है, तो उसके लिए हमें इसको फ्रीज करना होगा। इसको हमने सेलेक्ट किया, डेटा को फ्रीज कर दिया, और मैच में हमने B15 को फ्रीज करेंगे, क्योंकि नीचे जब मान लीजिए डेटा नीचे नहीं, अगर नीचे होगा तो 15-16 होना चाहिए, क्योंकि हेडिंग हमारा फिक्स है, और इसको हमने इसको फ्रीज कर दिया। अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दे, आगे की तरफ ड्रैग कर देते। तो अब मुझे इसको मैच को यहां रखने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे जैसे नंबर डालूंगा चेंज हो जाएगा, और मान लीजिए क्वांटिटी के जगह पे मान लीजिए मैंने अमाउंट डाल दिया, तो अमाउंट डालते ही यहाँ पे रिजल्ट हमारा चेंज हो जाएगा, तो हेडिंग डालते ही चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम होगी डेट में, अभी डेट का हेडिंग है इसलिए डेट यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, डेट आपका यहां पे दिख रहा है। तो इसमें आगे क्या करें, इसकी प्रॉब्लम क्या है, कैसे यूज करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, मतलब नहीं समझे, मान लीजिए कल के मैंने यहां पे डाल दिया PID, तो PID चेंज होती है, PID दिखेगा लेकिन आपका फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, फॉर्मेट तो सेम रहेगा आपका। तो फॉर्मेट आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका डेट में हो गया, तो आपको यहाँ पे मैनुअली फॉर्मेट चेंज करना होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करें, तो यहां पे मुझे करना होगा,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो आइए करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला। अब यहां पर फॉर्मूला देंगे इफ, इफ का निमास कीजिए, इफ लगाने की जरूरत क्या है। यहां पे हम देंगे कि अगर ए इक्वल टू डेट है, अगर ए इक्वल मैंने कि बी 15 इक्वल टू डेट है, तो बी 15 में हमने बी का हटा दिया, 15 फिक्स कर दिया, और फॉर्मेट में हम चले जाते हैं, और फॉर्मेट में हम इसमें नंबर फॉर्मेट में डेट पे और अपना एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, जो डेट आप चाहिए आप। एंड ओके कर देते हैं, फिर इसकी फॉर्मेट लेके हम बाकी सब पे डाल देते हैं। जैसे यहां पे डेट होगा, आप देखेंगे कि आपका ये आ गया, और जैसे पीआईडी होगा तो आपका फॉर्मेट हट जाएगा, और डेट कहीं भी होगा तो आ जाएगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आप जब इस तरह की ऑटोमेशन करेंगे तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करना होगा। बीर सिंह जी, कुंदन जी, श्री शर्मा जी, कोई डाउट आपको इस पे? नहीं सर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा लुकअप मेथड हो गया, मतलब भी लुकअप हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा डेटा को लेते हैं, और डेटा को हम थोड़ी सा छोटे बड़ा छोटा डेटा उठाते हैं। अगला टॉपिक यहाँ पे हमारा आता है, वो आता है कि मेरे पास एस आई डी जो है यहां पर, मान लीजिए कि मेरा एस आई डी बीच में हो, तो क्योंकि VLOOKUP चलता है लेफ्ट टू राइट। जी हाँ, VLOOKUP लेफ्ट टू राइट चलता है। अब लेफ्ट टू राइट चलने से दिक्कत क्या हो गया? कि आपका जो आईडी है, मतलब कि जो डेटा यहां पर है, इस डेटा में जो आपकी जो एसआईडी है, ये एसआईडी से आगे की चीजों को ही शो करेगा, पीछे की चीजों को शो नहीं करेगा। ठीक है, पीछे की चीजों को शो नहीं करेगा। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, कैसे इसको इसका मतलब कि कैसे यूज करें? मान लीजिए मुझे अगर सेल्स मोड चाहिए एस आई डी नंबर 7 के, तो मुश्किल हो जाएगा। खैर, तो मुझे ये पूरे डेटा को उठा के, या सॉरी एस आई डी को उठाकर पहले रखना पड़ेगा। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं मैच और इंडेक्स का फॉर्मेट। तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे मैच, पहले मैच का। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैच फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी सेल वैल्यू को रो एंड कॉलम, ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों चलता है, रो एंड कॉलम में सर्च करता है। सर्च करने के बाद ये देता है रो इंडेक्स या कॉलम इंडेक्स नंबर। अब मतलब कि ये 7 नंबर रो नहीं दे रहा, ये 7 नंबर नहीं दे रहा है, 7 नंबर ये दे रहा है सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे काउंट करके दे रहा है। मैं एक काम करता हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। तो ये जो यहाँ पे 107 में यहाँ पे 7 आया, इसका सीक्वेंस नंबर 7 सीक्वेंस नंबर क्यों आया? क्योंकि हमने इसको यहां से D2 से किया था। अगर मैंने इसको A2 से A1 D1 से कर दू
फिर ये आपको 8 देगा, क्योंकि ये काउंट देता है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस 8 नंबर हमें पता चला चल गया कि 8 नंबर रो, हमें पता चल गया 2 नंबर कॉलम। तो हमारे पास इसके लिए दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है वो है इंडेक्स का फॉर्मूला। इंडेक्स फॉर्मूला क्या करता है कि किसी भी इस पे डेटा पे चलता है और यहां पे बताता है रो नंबर। तो रो नंबर कौन सा, तो यहां से 1 2 3 4 5 इस तरह से रो नंबर काउंट कर सकते हैं। तो रो नंबर हमें मैच जो हमारा दे रहा है तो उस मैच रो नंबर को ले लिया, और कॉलम नंबर हमें पता ही है। तो कॉलम नंबर क्या पता है, 2 पता है। तो कॉलम नंबर 2 यहां पे हमें पता है, तो हमारा वैल्यू आ गया। तो मैं इस मैच फॉर्मूले को उठा के मैं इंडेक्स में डायरेक्ट लिख डाल सकता हूं B15, मतलब कि यहां पे B15 के जगह पे B15 का फॉर्मूला मैं पेस्ट कर देता हूं, तो यहां क्या आ गया। अब मैं किसी भी नंबर को डालूंगा तो आ जाएगा, तो ये वी लुकअप जैसा वर्क कर रहा है। देखिए इसकी भी एक बाउंडेशन है, बाउंडेशन ये है कि मुझे डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब कल के डेट में डेटा हमारा बढ़ गया या घट गया तो फिर हमें यहां से बढ़ाना और घटाना पड़ेगा। तो इसके जगह पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है इंडेक्स इसका ऑफसेट का। जी हाँ, एक फॉर्मूला है हमारे पास ऑफसेट का। तो ऑफसेट फॉर्मूला क्या करता है कि सिर्फ पूरे डेटा को सिलेक्ट नहीं करता है, वो सिलेक्ट करता है सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ डेटा। तो इसने इसको हमने सिलेक्ट कर दिया। अब इसमें बोलता है रो नंबर कौन सा चाहिए, तो मुझे चाहिए 6। कॉलम नंबर कौन सा चाहिए, तो मुझे चाहिए 1। अब कंफ्यूजन यहां पे आ गई, हमने मैच के अंदर में तो कॉलम नंबर 2 डाला था, रो नंबर 7 डाला था, बट यहां पे 6 क्यों डाला। ऐसा इसलिए क्योंकि मैच जो है वो अपना काउंटिंग स्टार्ट करता है 0 से, सॉरी 1 से इंडेक्स, और ऑफसेट जो है स्टार्ट करता है 0 से। तो मैच 0 से स्टार्ट 1 से करता है और ऑफसेट 0 से करता है। तो ऑफसेट एक कम होगा क्योंकि ए काउंट करेगा 0 एंड 1। तो आ गया। तो अब मैं जब इसकी मैच का जो फॉर्मूला इसके साथ मैं लिंक करूंगा तो उसमें हम मैं ध्यान रखूंगा कि इसमें हम -1 कर दें। तो -1 करने पे हो गया। तो आप यूज कर सकते हैं मैच और इंडेक्स को भी, और आप यूज कर सकते हैं मैच ऑफसेट एंड मैच को। तो ध्यान रखिएगा कि ऑफसेट जब यूज कीजिएगा तो रो एंड कॉलम नंबर को 1 कम कर दीजिएगा, क्योंकि ऑफसेट काउंटिंग करता है 0 से और मैच इंडेक्स तो 1 से। इंडेक्स का यूज तो चलता ही है, ऑफसेट कब यूज करेंगे, जब हमारा डेटा इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा हो तो, क्योंकि ये डेटा का सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशन लेता है और सेम मैच की तरह काउंट करता है कि यहाँ के 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ आपका 6, यहाँ हाँ 6, और फिर 0 एंड 1, ये ऑनलाइन शो कर दिया। अब जैसे जैसे हम यहाँ पे नंबर कोई चेंज करेंगे, हाँ 7 करूंगा, तो ये वी लुकअप की तरह वर्क करेगा। तो मैच और इंडेक्स को समझाने के बाद आगे चलते हैं। इस मेथड का यूज हम तब करेंगे जब हमारे पास डेटा बीच में हो, या फिर आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, वी लुकअप की प्रॉब्लम है कि वो लेफ्ट टू राइट चलता है सीन, मतलब कि उसके लिए डेटा में उसकी यूनिक आईडी जिसके बिहाफ पे लुकअप करना है वो स्टार्टिंग में होना चाहिए, वो स्टार्टिंग में होना चाहिए। लेकिन मैच और इंडेक्स को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर यहाँ पे दो क्वेरी है मेरी। हाँ पूछिए। पहला, अगर मान लो मैं इंडेक्स सॉरी वीलुकअप मैच लगा रहा हूँ, जहां से मुझे डेटा लेके आना है और जहां पे रखना है दोनों टेबल में है, तो फिर उसमें कैसे वीलुकअप मैच लगाएंगे, सो ड्रैग करेंगे।
नहीं, जहां पे देखिए अगर टेबल में है तो आपको ड्रैग करने की जरूरत ही नहीं है, एंटर मार के टेबल अपने आप ले लेगा। नहीं, मान लो कि एंटर करूंगा तो वो तो ऊपर से नीचे वो तो अपना वैल्यू दे देगा, लेकिन अगर मान लो लेफ्ट टू राइट मुझे उसको ड्रैग करना हो फिर। तो उसके लिए आप मैच ये कर लीजिए, 1 मिनट मैं आप एक ट्राई करके बता दिखा देता हूँ, ठीक है? चलिए मैं वो लाइव भी एरर दिखा देता है देता बार हूँ। बार। चलिए तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि मेरा जहां पे लुकअप करना है, जहां मैं लुकअप करना चाहता हूँ, डेटा जो है हमारा वो टेबल में है। चलिए हम इसको वो भी टेबल में, कर देते टेबल हैं, में। ठीक है? और जहां मैं लुकअप लगाना चाहता हूँ वो भी ऑल्सो इन द टेबल, मैं इसको एक टेबल फॉर्मेट में थोड़ा सा भी बढ़ा के ले लेता हूं, राइट? अब आपका कहना है कि अगर एक सॉरी पीवट टेबल हो गया, माफ कीजिएगा गलती से पीवट लिख हो गया, मैंने इंसर्ट टेबल। छोटी सी इसमें गलती हो गई, जब मैं टेबल लिया तो मैंने डेटा एज ए हेडर नहीं लिया था, माई हेडर माई टेबल एज ए हेडर। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे वन लिखा और मुझे यहाँ पे वीलुकअप करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे वीलुकअप लगाया, इसको सेलेक्ट किया और हम चले गए सीट वन के डेटा टेबल में, तो टेबल को हमने सेलेक्ट कर लिया, राइट? और कॉमा 2, 0, राइट? डेटा अब देखिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप। अब बात आती है कि बाकी वो कैसे हम ड्रैग करें, तो इसमें कुछ फ्रीज करने का झंझट ही नहीं है आपको, बस आपको यहां अपना कॉलम नंबर चेंज करना है सिंह जी। लेकिन अगर आप हाँ जी कॉलम नंबर भी मैच से लगाया हुआ है, अब क्वेश्चन यहां पे आपका ये भी हो सकता है कि मैंने कॉलम नंबर मैच से लगाया, तो यहां आप सर, राइट। का फॉर्मूला मैं चलिए लगाता हूं, मैच फॉर्मूला, और हम सिलेक्ट करते हैं इसको एंड कॉमा, हम अपने डेटा में जाते हैं और हम डेटा में सिलेक्ट कर लेते हैं इसको हेडिंग को एंड कॉमा 0। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा, यहां पे एरर आ गया, आईडी नहीं था ये, आपका ये था आपका डेट, अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं तो सब जगह पे पे आपका डेट ही आ रहा है ना सर, तो उसका उपाय है सर, क्या करना है, फॉर्मूला लगाते समय टेबल में जो आपने हेडर में डेट लिया इस पे आप मिनिमम B2 भी लिख सकते हो आप, समझे? और फिर इस B2 का हम 2 फ्रीज कर देते हैं और 11 फ्रीज कर देते हैं इसको, B2 मैंने जैसे रेफरेंस हो गया, B1 करना था, ड्रैग कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। तो अगर आप टेबल में परफॉर्म कर रहे हैं ओके तो क्या करना है, टेबल में अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको करना सिर्फ है कि आप उस पर क्लिक करके सिलेक्ट, मैं चलो का वैल्यू चेंज करिए करना। ओके और उस पर आप मैनुअली लिख दें, ठीक है? ओके आगे बढ़े, हाँ सर। अब एक और है ऑफसेट वाला। ऑफसेट वाला हम्म, पे क्या है कि जैसे हमने वीलुकअप की तरह, जैसे वीलुकअप मैच यूज करा और ड्रैग कर दिया, उसी तरह से क्या हम ऑफसेट यूज कर सकते हैं? हाँ
एक बार सर वो दिखा दीजिए करके, फिर मतलब आप क्या कर रहे हैं दोबारा? इसी पैटर्न पे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने वीलुकअप मैच यूज करके डेटा ड्रैग कर देता हूँ लेफ्ट टू राइट और ऊपर से नीचे, उसी तरीके से क्या मैं ऑफसेट की तरह डेटा ड्रैग कर सकता, ऑफसेट में डेटा ड्रैग कर सकता हूँ? इसमें क्या बोलते हैं टेबल में, टेबल हो नॉर्मल रेंज हो कोई दिक्कत नहीं है, तो टेबल वाला तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मुझे। तो अभी आपने जो यहां लगाया हाँ क्या लगाया है, ये जो हमने अभी बताया आपको इस सीट टू पे वही तो लगाया हमने। हाँ अब आप फॉर्मूला तो क्या, सर उसको एक बार इसको जरा सर इसको ड्रैग करने की बोल रहे हैं कि हम ड्रैग करने की बात कर रहे हैं सिर्फ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ तो ड्रैग करने के लिए आपको बस यहां पे क्या करना है। हाँ हेलो, हाँ थर्ड में फोन कर रहा है आपको, क्लास ले रहे हैं थर्ड में फोन कर रहा है आपको। तो यहाँ पे आपको जैसे A1 आपका है तो इसमें आपका A1 का A फ्रीज कर देना है, A1 का, हाँ A1 को सर, फिर आपको फ्रीज करना होगा, पूरा का फ्रीज करना होगा क्योंकि A1 आपका फिक्स है ना स्टार्टिंग का, उसके ओके इसका A फ्रीज करना है ताकि A जो आपका नंबर है ताकि ड्रैग होके B ना हो जाए। फिर आपका मैच में आपको फ्रीज करना है जो आपका एरिया है उसको, बस हो गया, अब इसको ड्रैग कर दीजिए। मैच के अंदर में हमने यहां पे बाकी आ गई हुआ, अब यहां पे आपको कॉलम नंबर चेंज करना पड़ेगा, यहां पे आपको 2 करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि इसको भी मैं ना करूं तो यहां भी आप ड्रैग करने से पहले यहां भी आप मैच लगा सकते हैं हेडिंग के लिए, ठीक है ना? लगाइएगा तो मैनुअल लिख दीजिए, नहीं तो फिर मैच लगा दीजिए यहां पे एंड कॉमा 0। इसको ड्रैग करने से पहले आप B3 का 13 का 13 फ्रीज कर दीजिए और AJ तो फ्रीज करेंगे करेंगे आप, और एंटर प्रेस करके आगे बढ़िए। हमने इंडेक्स को कर दिया, हाँ मैं इसी के मैच कॉपी कर लेता हूँ दूसरे वाले मैच में। तो अब देखिए जब फ्रीज करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है ना सर, तो आप फॉर्मूला एक बार लगा लीजिए, राइट? फॉर्मूला लगाने के बाद फिर इसमें -1 कीजिएगा ऑफसेट में, फॉर्मूला लगाने के बाद आप एक सेल को ड्रैग कीजिए और देखिए यहाँ पे क्लिक करके देखिए कि कौन कौन वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब कि यहाँ पे कौन कौन वैल्यू थी, कौन कौन सेल सिलेक्ट था और यहाँ पे कौन कौन सेल सिलेक्ट है और किसको नहीं ड्रैग होना चाहिए था, बस उसको फ्रीज कर दीजिए, समझे? तो ठीक राइट सर। तो सर इसमें जैसे हम ये लगा रहे हैं 0 1 लगा रहे हैं, मान लो हाँ मेरा डेटा बीच में जैसे 107 107 है, आपने यहाँ पे 0 1 कर दिया, हमने स्टार्टिंग से 0 1 ही लगाएंगे या फिर इसका नंबर भी चेंज होगा? कौन सा, ऑफसेट ऑफसेट के लिए, ऑफसेट में जो ऑफसेट है शुरू होता है 0 से राइट। हाँ 0 सर, आपको मैं काउंटिंग जो एक कम कर देना है। काउंटिंग में एक मान डेटा बीच में तब भी मैं 0 ही यूज करूंगा राइट। हाँ ओके तो से ही स्टार्ट करना है समझे, ओके ठीक है ओके आगे बढ़े। चलिए अब अगला टॉपिक आता है, अब तो हमने वी लुकअप मैच पढ़ लिया, अब बात करते हैं एच लुकअप की। एच लुकअप मतलब कि मेरा जो डेटा है वो वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, पेस्ट स्पेशल, और मैं इसको ट्रांसपोज कर देता हूँ। अब मेरा डेटा इस तरह से हॉरिजॉन्टल है, अब मान लीजिए मुझे 5 नंबर SID का नेम पता करना है, तो अगर ये वर्टिकल होता तो मैं वी लुकअप लगा देता,
इसके लिए हम यहां पे एच लुकअप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लुकअप। यहां हमने बोला लुकअप वैल्यू और फिर हमने अपना डेटा सिलेक्ट किया, लेकिन हम डेटा कॉलम वाइज नहीं रो वाइज सिलेक्ट करेंगे, एंड कॉमा रो इंडेक्स नंबर। वहां पे भी लुकअप में कॉलम इंडेक्स नंबर होता है, यहां पे हमारा रो इंडेक्स नंबर। तो यहां पे 1 2 3 4 5, 5 नंबर रो है, या फिर यहां पे आप रो का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं जैसे आपने वी लुकअप में कॉलम का लगाया था। और यहां आप ट्रू 0 कर दीजिए फॉर द एग्जैक्ट मैच, तो रिजल्ट आपके सामने है। यहां पे आपका योगेश आ गया, 6 कीजिएगा तो छठे नंबर का आ जाएगा। तो एच लुकअप इस तरह की हॉरिजॉन्टल डेटा पे यूज की जाती है। अब यहां पे एक और क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए इसमें हम क्या इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं जी, अब कॉस कर सकते हैं। तो चलिए हम एच लुकअप की जगह पे मैच इंडेक्स को करते हैं। तो सबसे पहले हम मैच का फॉर्मूला लगाएंगे और हम यहां पे नेम को इस रो में लुकअप कर लेंगे, ये आपका सीक्वेंस नंबर दे देगा। फिर वापस हम इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और यहां हमें माफ कीजिए, यहां हमारा रो नंबर हो गया 5। अब कॉलम नंबर भी हम मैच से पता करेंगे, कॉलम नंबर ही तो मेन है, तो सिलेक्ट किया और यहां पूरे रो, क्योंकि मैच हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों वर्क कर, तो मैच और इंडेक्स का इस्तेमाल करके हमने यहां भी एच लुकअप का भी अल्टरनेटिव ढूंढ लिया। और एच लुकअप में प्रॉब्लम क्या है कि स्टार्टिंग में होना चाहिए आपका यूनिक नंबर, स्टार्टिंग रो होनी चाहिए, बट अगर ऐसी नहीं है तो आप अलग अलग जो में भी लगा सकते हैं मैच और इंडेक्स। और जब जहां पे मैच और इंडेक्स लगेगा वहां पे ऑफसेट और मैच भी लगेगा सेम प्रोसीजर से। यहां हम ऑफसेट फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑफसेट फॉर्मूला में हम रेफरेंस नंबर का मतलब अपने डेटा का स्टार्टिंग पोजीशन सिलेक्ट कर लेंगे, रो नंबर तो आप मैच लगा दीजिए या फिर मैनुअल दे दीजिए 5 - 1 = 4, क्योंकि एक कम होता है इसमें। और सेम कॉलम के लिए हम मैच लगा लेते हैं, मैच में हमने 6 नंबर को ढूंढना इस रो के अंदर में कॉमा 0, लेकिन इसके लिए एक माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ऑफसेट एक कम लेता है। तो आप ऑफसेट और मैच दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। हेलो जी बोलिए सर। सुनील बोला सर, ये बोल रहे हैं कि वी लुकअप की तरह एच लुकअप को भी एरे की तरह यूज कर सकते हैं क्या, अगर एस आई डी जैसे हमने अपने ग्रुप के 1 से लेकर 6 तक, हाँ, और एक बार इसके लिए ट्रैक करें तो सारा आ जाए, इसके लिए कर सकते हैं, इसके लिए कॉलम के लिए बस इसमें आपको नहीं जैसे एस आई डी, हाँ मैं करके दिखाता हूँ, चाहिए करके दिखाता कि मेरे पास इस तरह के मान लीजिए कि इस तरह के हैम प्रोडक्ट मान लीजिए इला, राइट क्लिक मैं पेस्ट स्पेशल में ये कर देता हूँ, ट्रांसपोज कर देता हूँ, ट्रांसपोज। अब मुझे SID 1 है, इसके भी यहाँ पे करना है, यहाँ पे हम करेंगे एच लुकअप। एच लुकअप में हम सेलेक्ट करेंगे लुकअप वैल्यू और अब सेलेक्ट करेंगे अपना डेटा। अब यहाँ पे आता है रो इंडेक्स नंबर, तो कर्ली ब्रैकेट में हम डालेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, कॉमा 0। ये 2019 एक अच्छा सिस्टम है, इसमें आपको एंटर मारते ही अगर एरे है तो एरे को रीड कर लेता है। देखिए इसने एरे को रीड करके अपने आप दे दिया, बट 2000 अगर आपके पास लेटेस्ट लोअर वर्जन है तो फिर आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारना होगा सेलेक्ट करके, ठीक है।
समझ में आ गया सर? यहाँ पे ये लिखे है ना वन डेट के पहले, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं मतलब 14 तक तो ट्रैक हो जाएगा ऑटो? देखिए जितना डेटा रहेगा उतना हो जाएगा। देखिए यहाँ जो नंबर हमने दिया ना सर, ये सीक्वेंस से मतलब नहीं है, ये नंबर ये है कि डेट जो है यहाँ पे पहले आपका दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, ये सेल्स मोड आपका तीसरे नंबर पे है, ये आपका एस आई डी आपका चौथे नंबर पे है। अगर मान लीजिए एस आई डी अगर नौवें नंबर पे चला गया तो यहाँ आपको 9 देना पड़ेगा, तो सीरियली से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना आपका रो है सर, जितना आपका कॉलम्स है और जितना यहाँ पे रो है और जो उसका सीक्वेंस है उसके हिसाब से दीजिए। मैंने इससे पहले आपको VLOOKUP में यही चीज बोला था कि यहाँ पे सीरियली नहीं लिखना है, अकॉर्डिंग योर कॉलम पोजीशन, जो कॉलम का पोजीशन आपके डेटाबेस में है उसके हिसाब से देना है। यहाँ इसकी पोजीशन से लेना देना नहीं है, आपको देखना है कि सेल्स मोड यहाँ पे कहाँ है। ठीक है सर? सर एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन ये नहीं था, एक क्वेश्चन मेरा ये है ना कि जैसे कि अपने पास एस आई डी है, एस आई डी को साइड में हम ट्रैक कर लिए जैसे आप ये करना चाहते हैं कि आपके पास नीचे बहुत सारे नंबर है, इसको बोलो हाँ, इसको ट्रैक कर अगर सकते यहाँ पे सर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे है, अगर इंटरव्यूअर बोलता है केवल हमको नाम ही चाहिए यहाँ पे इसके ऊपर से, तो ऐसे छो का एक बार में ट्रैक कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं आप, देखिए कर सकते हैं आप, ट्राई करके देखिएगा, दिक्कत होगा तो कॉल कर लीजिएगा। ठीक है ओके। अब अगला क्वेश्चन आता है कि हमने VLOOKUP के अंदर में जहां भी VLOOKUP लगाया हमने यहाँ पे जीरो दिया, इसको हमने एग्जैक्ट मैच किया, यहाँ पे जीरो के जगह पे आप फॉल्स भी दे सकते हो क्योंकि सिस्टम में फॉल्स और जीरो एक ही होता है, तो आपके सिस्टम में फॉल्स और जीरो को एक ही समझा जाता है। तो अगर मान लीजिए इसमें हम वन दे मतलब कि ट्रू दे तो क्या होगा और कब देंगे, किस सिचुएशन में देंगे, चलिए इसको हम आज अभी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सेल्स के नंबर्स हम दे देते हैं, तो अब यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर्स है और मुझे इसमें देना है इंसेंटिव, और इंसेंटिव का स्लैब है कि 0 to 40 आएगा तो मैं दूंगा 500, 41 to 50 आएगा तो मैं दूंगा 41 to 60 कर 80 कर देता हूं 1000, और मैं 81 to 100 हुआ तो दूंगा 1500, और ग्रेटर देन 100 हुआ तो 5000। अब इसको जनरली हमने आपको सिखाया था इफ फॉर्मूला से कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 है तो 500 आए, अगेन इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 80 है तो 1000 है। लेकिन मैं इफ फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्राइटेरिया है, मान लीजिए 30 40 50 क्राइटेरिया है, तो 30 40 50 आपके पास क्राइटेरिया है तो वो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। तो वहां पे क्या करेंगे, तो वहां पे हम करेंगे आपको VLOOKUP का एग्जाम्स में मतलब कि स्लैब मैचिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो स्लैब मैचिंग मेथड में हम क्या करेंगे, तो यहां पे हम देंगे 0 41 81 101 और फिर नंबर को लिख देंगे, इस सीक्वेंस में आपको लिखना होगा। फिर वापस यहां हम VLOOKUP लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे कॉमा टू, एंड यहां पे हम जीरो नहीं देंगे या फिर फॉल्स नहीं देंगे, अगर फॉल्स जीरो दोगे तो यहां पे नहीं आएगा क्योंकि वो एग्जैक्ट मैच होता है, तो यहां पे हम देंगे ट्रू क्योंकि ट्रू या फिर वन तो हमारा रिजल्ट आएगा। तो ये क्या किया, इसने 78 को देखा कि किसके बिटवीन है, इसने चेक किया क्या इसके बिटवीन है, नहीं, क्या इसके बिटवीन है, यस इसके बिटवीन है, तो फिर इसका जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को यहां इसने शो कर दिया। अगर मैं नीचे इसको ड्रैग कर दूं तो भी आप देख सकते हैं, इसने 70 को देखा, अब 43 को इसने देखा कि 43 किसके में, ये भी इसके बीच में है, 43 को मैं अगर 90 कर देता हूं तो 1500 क्योंकि 90 इसके बिटवीन में। जब
आपके पास इस तरह के लार्ज हो तो इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। और मोस्टली इंटरव्यू में ही पूछ देता है सर कि यह वन कब देंगे, तो उस समय आप इस तरह की एग्जांपल समझा सकते हैं उनको। तो इसके लिए हम अब इसके लिए हमारे पास एक लुकअप का भी फॉर्मूला है जो कि इसी चीज के लिए बना है। लुकअप, लुकअप वैल्यू और आपके यहां रिजल्ट वेक्टर दीजिए और आपका लुकअप वेक्टर और ये आपका रिजल्ट वेक्टर। तो भी आ जाए तो लुकअप का बेनिफिट ये होता है कि क्योंकि वी लुकअप में तो आपको यहां डेटा रखना पड़ेगा, लेकिन लुकअप में आप उस इस डेटा को एरे फॉर्मेट में डाल सकते हैं। कैसे, देखिए लुकअप वैल्यू कर्नल ब्रैकेट में हमने अपना ए डाल दिया कि 041 लुकअप वेक्टर, इसको मैच क्या करना है 81 and 101, और फिर वापस कॉमा देके कर्नल ब्रैकेट एक और स्टार्ट किया और हमने यहां पे डाल दिया 500, 1500 and 5000 क्लोज करके हम एंटर मार देते हैं, रिजल्ट आ गया। तो यहां पे हम इस्तेमाल करते हैं वी लुकअप का इस मेथड को। सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट है? चलिए बीर सिंह जी, आपको कोई डाउट है इसमें? सर नो सर। चलिए स्टार्ट करें। हेलो हेलो, हाँ बोलिए सुनील जी। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जनरली इंसेंटिव में ये होता है कि अगर टारगेट का 100% अचीव करता है तो हम देते हैं, तो ये वाला यहाँ पे कर सकते हैं कि जिसका इसका टारगेट मतलब जैसे होगा कि जो सेल्स वाला बंदा है 100% टारगेट का अचीव किया तो उसको इंसेंटिव सेल वैल्यू का 1% देना है। हाँ तो कैलकुलेशन, देखिए कैलकुलेशन तो हम कर ही सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये चीज बताने का पर्पस ये है हमारे पास कि अगर आपके पास बिटवीन में सर्च करना हो, आपको एग्जैक्ट नहीं करना, आपको 10 से 20, 20 से 50, 50 से 60, 60 से 70 जैसे रेस्ट, समझ गए ना, तो हम इस मेथड इस्तेमाल करेंगे। बाकी कैलकुलेशन के लिए जो इफ का मेथड है तो आपकी बैच में जो इफ की कैलकुलेशन आएगी वहां पे मैं समझा दूंगा, ठीक है? ओके। अब हम बात, अभी तो हमारे ये वीलुकअप का नॉर्मल मेथड हो गया, ये जनरली तो आप लोगों को आता ही होगा मेरे हिसाब से, श्री शर्मा जी आपको तो आता ही होगा, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कुछ ट्रिकी मेथड। तो कुछ ट्रिक्स वाली मेथड पे हम चलिए डिस्कशन करते हैं। तो ट्रिक वाली मेथड पे क्या होगा, चलिए तो हम डेटा को लेते हैं। अब इस बार हम डेटा में यूनिक डेटा को यहां से हटा देते हैं। अब यूनिक से हटते हैं और यूनिक के बगैर हम काम करते हैं। चलिए अगला एग्जांपल ये रहा हमारे पास। अब यहां पे अगला एग्जांपल ये है हमारे पास कि मुझे यहां पे क्वांटिटी को चाहिए। मेरे पास इस तरह से डुप्लीकेट्स वैल्यू है, अब मुझे यहां पे डेटा मैच करना है, लेकिन मुझे मैच करना है दो क्राइटेरिया में। मैं चाहता हूं यहां पे यहां पे अगर मुझे क्वांटिटी चाहिए और मैं चाहता बोलता हूं कि मुझे ऑनलाइन, और ऑनलाइन में मुझे इंदर का चाहिए, ठीक है? क्योंकि प्रॉब्लम यहां पर यह है कि यहां पे मेरे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। मुझे यहां पे क्योंकि अभी तक जो आपने वीलुकअप देखा उसमें हम सिर्फ एक क्राइटेरिया को ही मैच कर रहे हैं, अब मुझे लुकअप की दो क्राइटेरिया है, अब मुझे दोनों क्राइटेरिया में मैच करना है। तो
तो लुकअप की हमारी दो क्राइटेरिया है, दोनों क्राइटेरिया आपको मैच करनी है। तो वीलुकअप में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना मैच में इसका पॉसिबल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों को कंबाइन एक यहां पे एक आईडी बनाएंगे और यहां पे हम दोनों को कंबाइन कर देंगे एंपरसेंड से, मतलब ज्वाइन कर देंगे। बीच में सेपरेटर डाल देते हैं ताकि आप ढूंढ सको, ऐसे सेपरेटर डालने की भी कोई जरूरत नहीं है, बट डालने से क्या होगा कि हाँ पता चल जाएगा कि हाँ ये सेल चाहिए। तो इस तरह से कंबाइन करके हम एक नया यूनिक आईडी बना देंगे और फिर यहां पे वापस वी लुकअप और इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, लुकअप करते समय इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर डेटा को सिलेक्ट करते समय इस तरह से इसको सिलेक्ट कीजिए एंड कॉमा, ये आपका पास नंबर है, पास रिजल्ट आपके पास आ गया। ठीक है, अगर आपको तीन को मैच करना, मान लीजिए मुझे इसमें प्रोडक्ट में रैम भी चाहिए, तो फिर आपको आईडी क्रिएट करते समय इन तीनों को आपस में मैच करना होगा। इसको हमने मैच कर दिया, तो यहां पे मैं वी लुकअप लगाऊंगा और इसको इसके साथ तीनों को मैच करूंगा। इसको सिलेक्ट किया हमने डैट, लेकिन सेपरेटर लगाना है क्योंकि हमने इसमें सेपरेटर लगा रखा है। वापस और फिर इसको हमने सिलेक्ट कर लिया कॉमा, ये आपका हो जाएगा 6 नंबर कॉमा 0 रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से कंजॉइन करके आप मल्टीपल कंडीशन को मैच कर सकते हैं। सर मेरी यहीं पे एक क्वेरी है। हाँ पूछिए। जहां पे हमने आईडी क्रिएट करा और हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करा, राइट, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा टेबल है रहे है उसको भी मैं फॉर्मूले में ही ऐड करूँ, वो कैसे होगा? कौन सा टेबल? मैं आईडी क्रिएट नहीं करा था सर। ऐसा आप कर सकते हैं लेकिन छोटे डेटा पे, बड़े डेटा पे नहीं, ये एरे फॉर्मेट में, ये मेथड आपको हम एरे में सिखाएंगे, ठीक है ना, लेकिन वो भी थोड़े पे okay. अच्छा, बड़े डेटा के लिए मुझे यहाँ पे आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी एरे के लिए। अगर एक नया फॉर्मूला आया है, एक्स लुकअप आया है या भी वीवीए फंक्शन है, वो सब सीख लेंगे तो फिर इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? तो सर एक्स लुकअप तो 19 एंड अबव पे काम करता है ना? ऑफिस 365। हाँ 360, अभी 365 पे काम करता है, सब पे भी तो है भी नहीं वो। हाँ तो इसलिए तो मैं अभी नहीं बता रहा, मैं बता दूंगा कल की क्लास में, ठीक है ना? या फिर आपका ये है ना वीवीए फंक्शंस है और डी गेट है और इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड है, हम आगे हम बताएंगे। अब सारे मेथड एक ही दिन में बताना पॉसिबिलिटी नहीं होती ना सर, राइट सर। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका पूजा है, तो अब मैंने यहाँ पे पूजा लिखा और यहाँ पे वी लुकअप लगा दिया, वी लुकअप लगा दिया और कॉमा, सॉरी सिलेक्ट कर, यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया कॉमा, डेटा को सिलेक्ट किया कॉमा 3, 0 आ गया, ठीक है सर। लेकिन इसमें एक दिक्कत हो सकती है, दिक्कत क्या होगी, मैं डेटा फालतू डेटा यूज कर देता हूं, कि अगर यहाँ पे पूजा सिंह हुआ तो एन में आ जाएगा, तो हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि हमारे पास पूरा डेटा नहीं होता है, मतलब पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, उसका कुछ पार्ट होता है, तो क्या हम उसकी पार्ट से मैच कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो आपका इनपुट है उस पर आप स्टार लगा दीजिए दोनों तरफ कंटेन में। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके पास आपकी ये होती है, मतलब कि आई लॉग इन आई डी आती है 7848@user, ये होती है लॉगिन आईडी। अब मेरे पास खाए तो यूजर नेम है, यूजर नेम में ऐसा हो सकता है पूजा हो यहाँ पे,
ये पूजा ने एक काम करता है नेहा है ना नेहा। अब मुझे यहां नेहा को मैच करना है। तो अगर जनरली हम VLOOKUP लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगी कि मेरा डेटा मैच नहीं करेगा, लेकिन नेहा के आगे पीछे अगर हम स्टार लगा देते हैं तो ये मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी है ये। अब प्रॉब्लम यहां पे आई कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे, अब क्या सबके नेम में जाके मैं स्टार आगे पीछे लगाऊं तो ये काफी लंबा टाइम ले लेगा क्या सर? तो आप फॉर्मूले में ही आगे पीछे स्टार लगा सकते हैं ज्वाइन मेथड से, मतलब कि इसमें स्टार और एन परसेंट से या कॉन्कटा डेट से हमने इसको ज्वाइन कर दिया एन परसेंट एन कॉन्कटा। ओके, तो इस तरह से हमने इसको कर दिया। लेकिन अब यहां भी एक प्रॉब्लम आ जाएगी आपको कि अब ये तो कंटेन हुआ, आगे पीछे दोनों मैच कर देगा, तो मुझे इसमें क्या करना है? मुझे इसमें ऐसा करना है कि मुझे लास्ट का मैच करना है, मतलब कि मुझे यहां पे एक नंबर यहां है 784 एट द रेट नीतू। मुझे अब यहां पे एक नीतू और भी है, सिर्फ नाम भी नीतू। तो अगर मैं कंटेन लगाऊंगा यहां पे, अगर मैं यहां पे कंटेन लगाया तो क्या होगा कि नी यहां पे, एक मिनट मैं यहां कर देता हूं। मैंने यहां पे अगर नीतू लिखा और यहां पे मैंने VLOOKUP लगाया, इसको सिलेक्ट किया और यहां पे डेटा को सिलेक्ट किया कॉमा 3,0 तो नीतू दिख गया। अगर मैं कंटेन दोनों तरफ लगा देता हूं तो भी आ जाएगी, आप इसी को फाइंड करेगा ना सर। तो मुझे चाहिए कि नीतू जो है वो लास्ट में कंटेन होना चाहिए। तो यहां पे हमने ये कर दिया, अब फिर भी नहीं मैच हो रहा क्योंकि नीतू एग्जैक्ट है, इसलिए अब यहां पे ये करता हूं, यहां पे ये लिख देता हूं नीतू सिंह। नीतू सिंह में ये आ गया, अब नीतू सिंह को नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा? कि यहां पे हमने पहले स्टार लगाया फिर नेम दिया, ये हो गया हमारा एंड विद, ठीक है ना, ये हमारा हो गया एंड विद। अब हमने पहले नाम दूंगा और लिखूंगा कि हो जाएगा स्टार विद और दोनों तुम लगा दिया तो हो जाएगा कंटेन, मतलब कि कहीं भी होगा तो मैच कर। तो वीर सिंह जी समझ में आया आपको? यस सर। अब इसमें एक और भी है कि हो सकता है कि मेरे पास यहां पे मुझे एक इसमें डेटा में एक दो डिजिट का मान लीजिए कोड है। अब कोड कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं, मुझे इतना पता है कि वो दो डिजिट का है, तो मुझे उस दो डिजिट को मैच करना है। तो आपको सिर्फ दो बार अपना क्वेश्चन मार्क देना है और फिर VLOOKUP लगाना है। इसको सिलेक्ट कीजिए, डेटा को सिलेक्ट कीजिए कॉमा 2,3। तो क्वेश्चन मार्क मतलब कि दो डिजिट, दो एनी डिजिट, लेकिन ये ये सारी चीजें जो आपने देखा है नंबर पे एप्लीकेबल नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। मैं यहां पे 12 दे दूं तो 12 को मैच नहीं करेगा। हाँ, ये 12 अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो मैच करेगा। तो ये जो होता है लाइक, इसको बोलते हैं हम लोग लाइक कमांड। तो लाइक कमांड जो होता है, ये लाइक कमांड सिर्फ मैच करता है किसमें? टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। ओके सर, अभी इससे चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहला हो गया हमारा, दूसरी चीज पे आते हैं।
सर मैं डेटा का प्रॉपर्टी को चेंज करता हूं, ये तो हो गए, डेटा प्रॉपर्टी चेंज करता हूं। चलिए अब मैं यहां पे मान लीजिए मेरा सेल्स का फॉर्मेट है, यहां नेम है। अब कुछ अलग अलग हम VLOOKUP के आपको एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आप इसको और अच्छी तरीके से समझें। नेम है और ये मान लीजिए हमारा जनवरी का डेट है, इस तरह से। और यहां पे मेरे मुझे इसके सेल्स है, मैं वैल्यू पेस्ट कर देता हूं। अब मुझे अगले सीट पे मुझे दे, यहां पे हमने नेम दिया हुआ है, यहां पे नेम नेम और मुझे चाहिए डेटा स्टार और यहां पे एंड। मैं चाहता हूं कि मुझे डेटा लुकअप करना है 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक, समझे, 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक। तो इसके लिए पहले मुझे इसका सीरियल नंबर क्रिएट करना होगा। तो सीरियल नंबर को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे और पहले तो पहले स्टार्टिंग को के लिए हम सिलेक्ट कर लेंगे स्टार्ट को, और यहां पे कंडीशन देंगे कि इफ अगर इसमें +1 करने पे ओ ग्रेटर देन हमारा एंड होता है तो यहां पे ब्लैंक शो कर दीजिए, अदरवाइज इसमें प्लस कर। और मुझे पता है कि इसमें आगे जब हम ड्रैग करेंगे तो हमारा एरर आने की चांसेस हैं, तो हम ये पहले तो यहां डीटी को इसको मिच कर देते हैं और इसको इफ एरर में डालते हैं। इफ एरर और फिर इसको एक संभावित लोकेशन तक ड्रैग कर देते हैं। अब फिर यहां पे हम यहां पे हम VLOOKUP लगाते हैं, इसको सिलेक्ट किया और मैं गया डेटा के लिए। डेटा को हम स्टार्टिंग से सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पे जो कॉलम नंबर के लिए 2,0 हम लिखते हैं, इसके जगह पे हम मैच का फॉर्मूला लगाएंगे, मैच, और हम सिलेक्ट करेंगे डेट को, फिर डेटा में जाएंगे, इसको सेलेक्ट किया +0 और फिर इसको एंटर कर दिया। अब आगे बढ़ने के लिए हमें इसको फ्रीज करना होगा, तो इसका हम ए फ्रीज करते हैं ताकि ए बी ना हो, डेटा तो फ्रीज करना ही है, और फोर का इसका बी फोर का फोर करते हैं और ए 1/1 तो करना ही है रूल नंबर। लेकिन मुझे पता है कि इसमें जब मैं जब इसको ड्रैग करूंगा मैं संभावित जगह पे तो एरर आएंगे क्योंकि यहां पे डेटा नहीं है। लेकिन फॉर्मूला मुझे लगा के रखना है, फॉर्मूला लगा के रखना इसलिए है क्योंकि कि यहां पे आगे चल के डेट्स आ सकते हैं। तो यहां पे मैं फॉर्मूला दूंगा इफ एरर का, कि इफ एरर, और यहां पे मैं ब्लैंक दे दिया, मतलब कि अगर VLOOKUP का फॉर्मूला एरर दे उसके जगह पे ब्लैंक्स हो और इसको ड्रैग कर दे, यहां आपके सामने रिजल्ट आ रहा है। अब यहां पे डेट में मानो कि मुझे 8 से चाहिए तो 8 से 8 से 20 तक चाहिए तो यहां पे आपको 20, तो जो डेट डालेंगे उसके बिटवीन में आपका डेटा आ जाएगा। तो ये क्लियर है आप लोगों को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? श्री शर्मा जी, वीर सिंह जी, कोई डाउट? अरे सर क्लियर है मुझे, और बाकी लोग भी हैं, आप लोगों को भी कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि आपको मैं छोड़ रहा हूं। यू ऑल्सो इनवाइटेड द क्वेश्चन। हाँ क्या बोले वीर सिंह जी, कोई डाउट है आपको? ओके चलो कोई डाउट नहीं है। अब अगला एग्जाम्पल इसी तरह से हम देते हैं। अब क्या है कि इस बार मेरे पास कुछ अलग अलग डेटा है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास डेटा है पूजा, फिर डेटा है नीरज, बीता, मोहन और उदय, इस तरह के नेम वाइज डेटा है। और इस पे हम कुछ डेटा भी दे देते हैं, मंथली डेटा है। और यहां पे कॉपी किया, यहां पे किया पेस्ट, यहां पे किया पेस्ट। मामा को समझाइए, पापा को समझाइए, तब मेरे पापा लेके जाएंगे। और फिर यहाँ पे इसको पेस्ट कीजिए। बाबू को लेके जाओ। तो इस तरह से हमने डाल दिया। फिर इसको हम पूरे को सेलेक्ट करके, एक साथ सेलेक्ट करके कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि रैम बिटवीन का फॉर्मूला लगा है तो बार बार चेंज हो सकता है। अब अगले सीट पे यहां पे मेरे पास जो है मान लीजिए समरी हमें बनाना है। समरी में मैं यहां पे मंथ दे देता हूं, लेकिन यहां पे जो नेम है, नेम ये रहा हमारा पूजा, प्रॉब्लम यही है कि जब मैं इसको डेटा लुकअप करूंगा तो मुझे वी लुकअप करना है, इसको सिलेक्ट करना है और हमें जाना है डेटा पे और डेटा को सिलेक्ट करना है कॉमा टू कॉमा जीरो। अब यही काम मुझे यहां भी करना है और इस बार पूजा की जगह पे नीरज को सजाना है। हमने किसको सिलेक्ट किया और इस बार हम नीरज में चलेंगे कॉमा टू कॉमा जीरो। अब यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मेरा सब कुछ सेम है, बस यहां पे नीरज और पूजा का सीट अलग अलग है। अब एक सीट पे होता तो मैच मैच लगा के हम ड्रैग कर देते, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट शीट्स पे है तो इसके लिए हमें कोई अलग से कोई त्रिग्रम देखना। तो क्या देखना होगा त्रिग्रम में? तो हम देख रहे हैं बाकी सब चीजें नेम ही चेंज है ना, क्यों ना नेम को हम यहां पे कंबाइन कर देते हैं। हम यहां इसको सेलेक्ट करेंगे, एन परसेंट देंगे और इसको आपस में हम कंबाइन कर देते हैं कि रिजल्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब एक कंबाइन हुआ तो कंबाइन होने के बाद क्या हो गया, एड्रेस जैसा हुआ तो, लेकिन सिस्टम इसको देख समझ रहा है, टेक्स्ट समझ कर रहा है। देखिए फॉर्मूला एलिट में करके दिखाता हूं आपको समझ में आएगा। यहां देखिए यहां पे क्या हुआ, पूजा और ए आई बी को आपस में ज्वाइन हुआ तो ए आपको पूजा ए बी पूरा एड्रेस के फॉर्मेट में हो तो गया, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है तो सिस्टम इसको एबीसीडी समझ, एबीसीडी की तरह समझ रहा है, इसको एक रेफरेंस नहीं समझ रहा है। मतलब कि अगर आपने यहां पे लिखा इक्वल ए टू लिखा, इसका मतलब है कि यहां सिस्टम में
ए टू रेफरेंस है, लेकिन इसी ए टू को इन्वर्टेड कमा में लिख दिया तो सिस्टम इसको ए टू ए को टेक्स्ट समझेगा और ए टी को ए टू को रेफरेंस में देगा। या फिर किसी सेल पे आपने ए टू दे दिया और मान लीजिए मैं इसको सम में डालता हूं तो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करेगा? कि ए टू को एक वैल्यू समझ रहा है, ये नहीं समझ पा रहा है कि दिस ए टू, ए हमारा ए टू है। तो इसके लिए हमें इन या इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन डायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर में इस ए टू को डालना होगा, तभी ए टू जो है इन ए टू जो है रिकॉग्नाइज होगा एज ए रेफरेंस। तो इनडायरेक्ट का काम क्या है, टेक्स्ट को रेफरेंस में कन्वर्ट करना, मतलब सिस्टम को ये बताना कि ए टू एक कोई एबीसीडी या कोई नेम नहीं है, ए टू एक रेफरेंस है, वहां से वैल्यू उठाओ, तो वैल्यू उठा दिया। तो मुझे इस एक जो कैलकुलेशन इसको भी इनडायरेक्ट के अंदर में डालना होगा, इनडायरेक्ट, तब जाके रिजल्ट हमारा आ जाएगा, हमारा रिजल्ट आ गया। लेकिन इसको हम डायरेक्टली ड्रैग नहीं कर सकते हैं, तो ड्रैग करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ड्रैग करने के लिए हमें यहां पे A3 का फ्रीज करना होगा और B2 का 2 फ्रीज करना होगा, ये जरूरी है। यहां पे हम इसको देंगे ऐसे और नीचे की तरफ उसको, नवंबर दिसंबर नहीं है इसलिए नहीं आया, तो हमारा इजली हो गया। ठीक है वीर सिंह जी, तो मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूं ताकि आप लोग, देखिए मोस्टली लोगों को फॉर्मूला पता होता है लेकिन फॉर्मूले को आपस में तोड़ मरोड़ के यूज करना नहीं पता होता। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि तोड़ मोड़ पर कैसे इसका यूज किया जाए, ये बताना आपका, इसलिए ये चीज हम आपको बताते हैं। अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं, अब इसमें अगला एग्जांपल बताते हैं। अगला एग्जांपल ये है कि मेरे पास दो डिफरेंट डिफरेंट डेटा है या दो से ज्यादा भी हो सकता, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जो हमारी आईडी है वो आईडी डालता हूँ, और यहाँ पे हमारा सेल्स, और भी डेटा हो सकता है, छोटा डेटा ले रहा हूँ, तो छोटे डेटा भी क्या होता है कि इफेक्ट समझ में आता है। तो पहले सीट पे जो है हमारा मान लीजिए 10 तक डेटा है और 10 तक हमारा सेल्स है, और फिर हमने इसको कॉपी किया दूसरे डेटा पे, यहां पे हमारा 11 से, और यहां वैल्यू हम चेंज कर देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे जहां लुकअप करना है, एक तीसरे सीट पे या दूसरे फाइल पे हमें इसको लुकअप करना है, तो इसमें मेरे पास यहां आईडी जो दी हुई है वो जैसे 1 है, 3 है, 8 है, 15 है, 14 है, 3 है, 4 है, 20 है, 17 है, तो ये डेटा जो है मिक्स है। तो मिक्स होने के कारण क्या हुआ, कुछ डेटा सी हमारे डेटा 1 से है, कुछ डेटा हमारा डेटा 2 से है। तो वी लुकअप लगाने, अब मुझे यहां पे इस डेटा को लुकअप कर, तो लुकअप करना है, तो इसके लिए हमें दो हमारे पास चॉइस है। पहला कि हमें फाइंड करने कि कौन सा डेटा किस लुकअप कुछ डेटा किस डेटा सीट से है और उसी हिसाब से बिल लुकअप करना है, या फिर दोनों डेटा को एक के नीचे कंबाइन करना, और मैं दोनों नहीं करना चाहता हूं, मैं यहां पे एक ही सेल में दो वी लुकअप लगाना चाहता, तो हम यहां पे एक वी लुकअप लगाया और हमने बोला कि लुकअप फ्रॉम सीट 1, और फिर हम यहां पे वापस वी लुकअप लगाया दूसरे सीट से।
अब मुझे इन दोनों फॉर्मूला को एक सिम पे रखना है। अब मुझे पता है एक फॉर्मूला एरर देगा, दूसरा फॉर्मूला रिजल्ट देगा, इस दोनों में से कोई हो सकता है। तो अभी हमने आपको इफ एरर का फॉर्मूला बताया था, तो इफ एरर का फॉर्मूला क्या करता है कि अगर एक फॉर्मूला आपका एरर दिया तो दूसरे फॉर्मूले को वर्क करता है। तो VLOOKUP को हम इफ एरर में डाल देते हैं कि अगर पहले VLOOKUP जो डेटा वन से लुकअप कर रही है उसने अगर एरर दिया तो ये दूसरे VLOOKUP को रन कर लेगा और हमारा रिजल्ट आ गया। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी सीट VLOOKUP। लेकिन इस एरर में हम दो ही फॉर्मूला डाल सकते हैं। अगर मेरे पास तीन या चार सीट हुए तो अब मैं यहां पे तीसरा सीट भी क्रिएट कर देता हूं। तीसरा सीट क्रिएट कर देता हूं। अब यहां पे मेरे पास जो आईडी है और यहां पे सेव और यहां पे हमारा सेल्स है और यहां पे आईडी में हमारे पास इस पर 21 है 22 है इस तरह से। अब मेरे पास तीन सीट हो गए तो तीन सीट में कैसे लुकअप करेंगे? तो क्योंकि इफ एरर में हम दो ही दे सकते हैं, बात नहीं, हम दो ही एरर लगा लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहां पे एक और इफ एरर देंगे और फिर लास्ट में कॉमा करके हम यहां पे तीसरा VLOOKUP लगा लेंगे। इसको सिलेक्ट किया यानी कॉमा डी थ्री। इसमें क्या हुआ, इस चीज को ध्यान से देखिए, इसमें हुआ कि पहले इस फॉर्मूले को रन करेगा, तो इस फॉर्मूले में इफ एरर है, इफ एरर फिर VLOOKUP को रन करेगा, VLOOKUP ने एरर दिया तो दूसरे VLOOKUP को रन करेगा, अगर दूसरा VLOOKUP भी एरर दिया तो इफ एरर भी एरर देगा। तो इफ एरर चेक करेगा कि ये जो आपका दूसरा इफ एरर है अगर ये एरर है तो फिर तीसरे VLOOKUP को चलाएगा। और यही सिक्वेंस चौथे पांचवें आठवें दसवें शीट्स के लिए कंटिन्यू हो जाएगा। मल्टी शीट VLOOKUP का मेथड समझ में आया? तो सर आप ये बोल रहे हो कि मतलब हम इफ एरर को हम इंक्रीज करते जा सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, राइट 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 ओके। ये आपको मल्टी शीट और मल्टी फाइल दोनों पे फॉरवर्ड करेगा। हमें शीट दिया, शीट के जगह पे आप अलग अलग फाइल भी दे सकते हो। अगला हमारा एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है VLOOKUP लिस्टिंग। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो आज मैं उसको नहीं करना चाहता क्योंकि मैं बहुत पढ़ा दिया है, आप लोगों की पढ़ने की हैबिट है नहीं और इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाएगा क्या। तो VLOOKUP लिस्टिंग की टॉपिक को हम कल की क्लास में रखें तो बेटर होगा। क्या बोले वीर सिंह जी, श्री शर्मा जी, और कल हम आप कप और एक्स मैच दोनों हम आपको बता देंगे। ओके ओके फाइन ओके। और इसके अलावा आप कोई क्वेश्चन हुआ, और भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आज की क्लास की वीडियो जैसे यूट्यूब पे लाइव टेलीकास्ट हो गई है तो आपको वहां भी मिल जाएगी, अदरवाइज मैं सबको भेज दूंगा। सर ये एक्सेल भी दे दीजिएगा। हाँ एक्सेल फाइल जिनको चाहिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग अपनी ईमेल देंगे, ठीक है ना? मैं भेजता हूँ सर। हाँ सब जितने भी अटेंडीज हैं उन सबको मैं बोलता हूँ कि अपनी अपनी ईमेल आईडी मुझे भेज दीजिए। तो आज का लेक्चर, आज की जो रिकॉर्डिंग है और फाइल है दोनों मैं आपको कुछ देर में भेज देता हूँ। तो सभी लोगों के पास मेरा नंबर होगा, आप लोग मेरे व्हाट्सएप कर दीजिए अपने अपने ईमेल आईडी। और कल इसी टाइम पे हम आपके साथ कंडक्ट करेंगे VLOOKUP की अगली टॉपिक
और आप लोगों की प्रॉब्लम भी हम सोल्यूशन देंगे। तो मिलते हैं कल ठीक इसी टाइम पे, ओके बाय। और आपकी अपनी ईमेल आईडी ओके सर मैं आपको मेल कर दूं सर, थैंक यू वेरी मच।